जिले के मांडल थाना क्षेत्र में गत दिनों सामने आई एक महिला पर एसिड अटैक की घटना को लेकर घोड़ास के ग्रामीणों और भक्तों ने आज जिला कलेक्ट्री पर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि एसिड अटैक की यह पूरी घटना एक षड्यंत्र का हिस्सा है, जो कि डांग के हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास महाराज को बदनाम करने की साजिश नजर आता है। भक्तों ने जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि गत दिनों घोड़ास गांव में रहने वाली जड़ाव देवी पत्नी शंकरलाल गुज्जर पर एसिड अटैक की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में उसने घोड़ास के हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास महाराज पर जो आरोप लगाए वह सरासर निर्धार है और एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इस मामले में सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले और इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित तरीके से महंत जी को बदनाम करने की साजिश है। महंत जी के दिनचर्या से पूरा गांव वाकिफ है कि वह अल सवेरे से ही अपनी कुटिया में आराधना करते हैं और 11 बजे बाद वह कुटिया से बाहर आकर अपने भक्तजनों से मुलाकात करते हैं। ऐसे में महिला पर एसिड अटैक की जो घटना हुई है वह सरासर एक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसकी पुलिस को निष्पक्षता के साथ जांच करनी चाहिए। घटना हुई है जिसमें महाराज जी का घटना हुई, ये घोड़ास गांव की घटना है और 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ये घटना हुई है जो एसिड अटैक हुआ महिला के साथ। वो पहले महिला घोड़ास आश्रम से जुड़ी हुई थी, पिछले 3-4 महीनों से वह आ भी नहीं रही और न उसका कोई परिवार वाला आ रहा है और उसके और उसके पति के बीच में भी झगड़ा चल रहा। वो अलग जगह रहती, मकान बना के, उसी मकान में सुबह 6 से 9 के बीच में घटना हुई है। जबकि महाराज जी हमेशा नित्य नियम उनका जो रहता है मौन का, वो सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी कुटिया में रहते हैं, उसके बाद ही वो किसी व्यक्तियों से या भगत लोग से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं। तो पहली बात तो इस घटना से महाराज जी का कोई लिंक नहीं है, फिर भी जिन्होंने यह नाम उछाला है कि भाई संत समाज के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों पर जो ये स्थान पहुंचा और जिन्होंने पहुंचाया महाराज जी सरजूदास जी ने, वह अकल्पनीय है। और उससे जलते हुए पीड़िता का जो परिवार है जिन्होंने इस घटना के बारे में नाम लिया महाराज जी का, मैं चाहता हूं कि उनका पोलियोग्राफी टेस्ट और नार्कोटिक टेस्ट होनी चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। महिला पे एसिड गिरा उसको भी न्याय मिलना चाहिए, ये नहीं कि महाराज जी का नाम ले लें उनको बदनाम करने की कोशिश करें।